हाय फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 2.0 रोबोट वर्सेस बाहुबली 2 की। तो दोनों मूवियां हैं सबसे बड़ी। तो बाहुबली 2 मूवी जहां रिलीज हो चुकी है, इसकी सभी कमाई देख चुके हैं और इस मूवी ने इंडिया में यानी बॉलीवुड में और हॉलीवुड में यानी बाहर भी बहुत ही ज्यादा बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन किया था। जहां तक सभी मानते हैं और जानते हैं, इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तोड़ने के लिए अब एक मूवी का नाम सबसे बड़ा जो सामने आ रहा है वो है 2.0 रोबोट। तो ये मूवी किस वजह से बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि क्या रीजंस होंगे, किस रीजंस की वजह से ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और आप भी हमें कमेंट्स में बताएंगे कि और कौन से रीजंस हो सकते हैं कि बाहुबली 2 मूवी के रिकॉर्ड को 2.0 रोबोट तोड़ सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मूवी की सबसे बड़ी बात होती है स्टार कास्ट की। तो स्टार कास्ट में जहां 2.0 रोबोट में सबसे बड़ा रीजन ये है कि अक्षय कुमार और रजनीकांत दो बड़े स्टार नजर आने वाले हैं और एमी जैक्शन इस मूवी में नजर आने वाली हैं। जहां ये बड़ी स्टार कास्ट इसमें सामने आ रही है, तो बॉलीवुड की तरफ से जहां एक बड़ा स्टार अक्षय कुमार सामने आ गए, वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत। तो रजनीकांत साउथ के सुपर स्टार कहे जाते हैं। इनको देखते हुए ये मूवी कुछ नहीं तो बॉक्स ऑफिस में तो धमाल मचाने वाली। सबसे बड़ा और पहला रीजन ये था। और दूसरे रीजन की अब हम बात करें तो दूसरे रीजन में आ जाते हैं, जहां इस मूवी में सबसे बड़ी बात है स्टोरी लाइन की। जहां सभी देखना चाह रहे थे बाहुबली के पार्ट को, बाहुबली 2 को, तो अब रोबोट का पार्ट जो रोबोट 2.0 बन के उभरा है, तो इस पार्ट को देखने के लिए पब्लिक बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित है। और इसी के साथ अब हम एक और रीजन पे आ जाएं, थर्ड रीजन ये है कि बाहुबली 2 मूवी जहां नॉर्मली रिलीज हुई थी 2D स्क्रीन पे, तो आपको 2.0 3D स्क्रीन पर देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ी बात एक और ये आ रही है कि बच्चे और बड़े 3D में भी इस मूवी को देख सकते हैं। अब हम एक और रीजन पे आ जाएं, चौथे रीजन पे। तो चौथा रीजन ये है कि इस मूवी का जो बजट है, बजट बहुत ही ज्यादा हाई रखा गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ बाहुबली और बाहुबली 2 को मिलके पूरा बजट मिलता है 400 करोड़ को पार कर जाता है। वहीं 2.0 का बजट भी बहुत ही ज्यादा बताया जा रहा है। 400 करोड़ ही 2.0 का बजट लगभग रखा गया है, क्योंकि 3D में इसकी रिलीजिंग होगी तो 3D में बहुत ही ज्यादा कमाई लगने वाली है। लगभग इस मूवी का बजट 400 करोड़ है ही, परफेक्ट। तो इस मूवी का जहां बजट इतना है, तो बजट के मामले में तो बाहुबली 2 मूवी को पार कर ही गई। और आप देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये मूवी कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। एक और सॉलिड रीजन मैं बता सकता हूं कि VFX जो इस तरह से दर्शाया गया है इस मूवी का, जहां अभी ट्रेलर जैसे ही रिलीज होगा, तो शायद सभी जानते हैं कि इस मूवी का ट्रेलर सबकी फाड़ देगा। साफ साफ बात है, ये ट्रेलर सबकी फाड़ने वाला है 2.0 का ट्रेलर। और एक और रीजन, जहां इसका 3D में रिलीजिंग होने की तो बात जहां चली रही है, इसकी जो हीरोइन है एमी जैक्शन, उनकी एक्टिंग शायद सभी देखना चाहते हैं, और उनकी खूबसूरती जो इस मूवी में एक अलग किरदार में दिखाई देने वाली है, तो बहुत ज्यादा बधाइयां। और इसी के साथ एक और हम बात करें कि इस मूवी में और भी क्या क्या चीजें देखी जा रही हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। जैसे कि हम बता दें कि इस मूवी की स्क्रीन्स की बात की जा रही है। स्क्रीन्स अगर हम देखें तो इंडिया में जहां बाहुबली 2 मूवी को 6000 स्क्रीन्स पर लगभग रिलीज किया गया था, तो अब 2.0 रोबोट को, ये मूवी को कितने स्क्रीन्स पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये मूवी 7 से 8 हजार स्क्रीन्स पर इंडिया में रिलीज हो सकती है। और चाइना की बात करें तो चाइना में भी बाहुबली 2 मूवी को अच्छी खासी 9000 स्क्रीन्स तक रिलीज किया गया था। तो चाइना में भी धमाल मचाने वाली है रोबोट 2.0। ये मूवी कुछ नहीं तो 12000 स्क्रीन से कम नहीं लेगी, मैं अगर सच बता दूं तो। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इसकी स्टोरी लाइन क्या होती है या नहीं, और ये मूवी क्या धमाल करने वाली है। इतने बड़े बड़े रीजन जब उभर के सामने आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये बाहुबली 2 मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं, ये तो आप कॉमेंट्स कीजिए।
ये हमारा क्वेश्चन था और आप इसके आंसर हमें कमेंट में दे देंगे, हम आपके लिए आंसर लिखेंगे।